अगेन वेलकम बैक टू चैनल। सो दोस्तों, अभी जो है कि मैं एक टॉपिक पे जो कि वीडियो लेके आया हूँ, अग्निपथ योजना, जो कि गवर्नमेंट ने इसको कुछ टाइम पहले निकाला था और कुछ क्या मतलब अभी 5-6 दिन करीबन 4 दिन हुआ है इसको रिलीज़ किए, तो जो कि लड़कों के प्रति इसका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, और जो कि बलिया में भी, झांसी में भी और दानापुर जैसे बहुत सारे स्टेशनों पर जो कि ट्रेन को जला दिए जा रहे हैं और स्टेशनों पे जो कि तबाही मचा जा रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक तरह से गलत तरीका है। दोस्तों, मैं आपको जो कि कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर देखिए मैं आपको बता दूँ तो आंदोलन आप लोग कर रहे ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ तोड़फोड़ ना करें, और स्टेशनों पे जो कि देखने को मिला जो कि आप लोग बहुत बर्बाद कर रहे हैं, सीट तोड़ रहे हैं, क्या गलत तरीके से जो कि अपना रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ी आराम तरीके से करिए, मतलब शांतिपूर्वक। और ये जो टैक्स है जो आप लोग ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये जो कि गवर्नमेंट का नहीं है पैसा, ये हम लोग का जो टैक्स भरते हैं ना हम लोग, उसी के पैसे से लोग बनाते हैं। हाँ, तो आप लोग से अनुरोध है कि ऐसा ना करें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए चलते अग्निपथ योजना के ऊपर, मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि मैं उस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, और मैं नहीं रहूँगा, वो हमारे सर हैं, तो वो जो है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि आखिर वो जो अग्निपथ योजना है उसमें क्या फ़ायदा है और आपको उसमें क्या क्या घाटा है। फ़ायदे तो बहुत कुछ है गाइस, समझने वाले अगर बंदे समझ गए ना तो बहुत खास है उसमें। तो चलिए हम वीडियो की जो एंड करते हैं, तो एज उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे ऐसी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, और मैं TOD के ऊपर जो है कि कम्प्लीट मेरा एक वीडियो आने वाला है, तो आप एक बार उसको जरूर विजिट करिएगा। ओके, बाय बाय।